हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशास किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ इंस्टेंट एप्पल पेड़ा, वो भी बिना खोए के, बिना काजू के और बिना मिल्क के। तो मैं बना रही हूँ ये पेड़े मिल्क पाउडर से, जो कि सभी जगह इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये ब्यूटीफुल से एप्पल पेड़े बनाना। तो सबसे पहले हम शुगर सिरप रेडी करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें ले ली है मैंने आधे कप चीनी और ले रही हूँ मैं इसमें आधे कप पानी। यानी कि जितना मैं पानी ले रही हूँ उतनी ही मैंने चीनी ली हुई है। और अब बना लेनी है हमें इसकी चाशनी, यानी कि इसका जो शुगर सिरप है वो हमें एक तार वाला ही रेडी करना है। तो अब मैं इसे एक चम्मच से इस तरह से कंटिन्यूसली चलाती रहूँगी। तो ये शुगर भी इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, तो अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से एक तार बन रहा है, इसका मतलब कि हमारी चाशनी रेडी हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल लेती हूँ आधे चम्मच इलायची पाउडर और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अब मैं ले रही हूँ इसमें थोड़ा सा केसर, जो कि मैंने दूध में भिगो के रखा हुआ है। इससे इसका कलर अच्छा आएगा, येलोइश आएगा एप्पल्स का कलर। तो इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। यदि आपके पास केसर ना हो तो आप थोड़ा सा येलो कलर इसमें ऐड कर लीजिए। और अब ले लिया है मैंने 1.5 कप मिल्क पाउडर, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से मिक्स करती जाऊंगी और चम्मच से इसको चलाती जाऊंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके ही इसको मिक्स करिए, एकदम लो फ्लेम पर कर रही हूँ मैं ये सारा। तो इस तरह से इसको मिक्स कर लीजिए और ये लास्ट बचा हुआ मिल्क पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो एक साथ मिल्क पाउडर आप इसमें मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए और इसको मिक्स करते जाइए। अब जब ये आपको लगे कि अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून घी। देसी घी मैं इसमें ले रही हूँ, क्योंकि घी डालने से पेड़े का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आएगा और पेड़ा भी एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल मार्केट जैसा बनता है। तो इसको आप कंटिन्यूसली चलाते रहिए। तो इसे मैं कंटिन्यूसली इस तरह से चलाती रहूँगी जब तक कि ये पेस्ट एकदम थिक ना हो जाए और पैन को अपने आप ही ये छोड़ने ना लगे। तो ये मिल्क पाउडर और जो शुगर सिरप है वो इस तरह से थिक होने लगा है, उसने देखिए पैन को छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया इस तरह से। तो इस मिक्सचर को अब मैं एक बोल में कर लेती हूँ ट्रांसफ़र, जिससे कि ये ठंडा हो पाए। तो इस मिक्सचर को हमें सिर्फ इतना ठंडा करना है कि हम इसे हाथ से आराम से टच कर पाएँ, मतलब एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके पेड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए 10-15 मिनट के बाद ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है, थोड़ा सा गर्म है लेकिन मैं इसे आराम से टच कर पा रही हूँ। तो अब मैं इसमें से थोड़ा सा इस तरह से मिक्सचर ले लेती हूँ हाथ में और अब मैं इसके बना लूँगी बॉल्स। तो दोनों हाथों के बीच में रख कर मैं हथेलियों से इस तरह से इसकी बॉल बना लेती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी बॉल बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं ले लेती हूँ लौंग और उसको मैं इसमें इस तरह से प्रेस करके लगा देती हूँ, जिससे कि इसका शेप एकदम एप्पल जैसा आ जाए। तो मैं यहाँ पर दूसरी बॉल भी रेडी कर लेती हूँ और इस तरह से मैं सारे पेड़े बनाती जाऊँगी। और इसमें भी मैं लगा लेती हूँ एक लौंग थोड़ा सा प्रेस करके। तो ये मैं सारे पेड़े रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारे सारे पेड़े बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप चाहें तो इन पेड़ों को ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं यहाँ इन पेड़ों को थोड़ा सा एप्पल्स जैसा टेक्सचर देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर कलर यूज़ करूँगी। तो चलिए मैं इसमें कलर भी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये रेड फूड कलर, ये टोटली ऑप्शनल है। यदि आप इसे यूज़ करना चाहें तो करिए, वरना ये ऐसे भी ठीक है। और ले लिया है मैंने यहाँ पर ये ब्रश, पेंटिंग का जो ब्रश होता है, इसमें मैंने बहुत ही कम क्वान्टिटी कलर की ले ली है। और अब मैं एक पेड़ा ले लेती हूँ और उसको इस ब्रश से इस तरह से मैं कलर कर लूँगी। तो ये देखिए इतना ब्यूटीफुल सा एक स्मॉल सा एप्पल बनकर हमारा रेडी हो गया है एप्पल पेड़ा। तो मैं इसी तरह से दूसरा भी बना लेती हूँ। तो ये आप देख लीजिए मैं ब्रश से किस तरह से स्ट्रोक्स दे रही हूँ नीचे से ऊपर की साइड, और ये पेड़ा एकदम आपको एप्पल जैसा ही दिखने वाला है और बहुत सुंदर और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। और इसे आप इजीली घर में बना सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। तो ये देखिए एप्पल हमारा रेडी हो गया है। तो इस तरह से मैं ये सारे एप्पल्स को रेडी कर लेती हूँ
और अभी ये एकदम रेडी नहीं हुए हैं, अभी इसमें कुछ और भी गार्निशिंग करना बाकी है। तो अब मैं इसमें लगा देती हूँ छोटी छोटी लीव्स, जो कि मैं ये पिस्ता काट के लगा रही हूँ। तो आप पिस्ते को इस तरह से काट के इसमें लगा दीजिए, तो एकदम ये लीव्स जैसे लगेंगे। तो ये सारे पेड़े बनकर एकदम रेडी हो गए हैं, और ये मार्केट से भी बहुत ज़्यादा अच्छे और एकदम प्योर घर के बने हुए पेड़े, जब आप इनको किसी को भी खिलाएंगे तो वो आपसे पूछे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा कि आपने ये कैसे बनाए हैं। तो इस फेस्टिवल पर आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। इसमें ना मावे की ज़रूरत है, ना काजू की, और ना ही हमें इसमें दूध की ज़रूरत है। तो एकदम ईजी रेसिपी है ये। तो आपको ये इंस्टेंट एप्पल पेड़े की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।